हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय हब क्लासेस चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे हम कबीर दास का जीवन परिचय, जो 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। अब आगे पढ़ेंगे संत काव्य धारा के प्रवर्तक। कबीर दास का जन्म सन 1398 ईस्वी को काशी में किसी विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। तो स्टूडेंट्स, संत काव्यधारा के प्रवर्तक कबीर दास, यानी कबीर दास को संत काव्यधारा के प्रवर्तक इसलिए कहा जाता था क्योंकि कबीर दास ने अपने आप को काव्य के अनुरूप ढाल लिया था, इसलिए इन्हें संत काव्यधारा के प्रवर्तक कहा जाता था। तो संत काव्यधारा के प्रवर्तक कबीर दास का जन्म सन 1398 ईस्वी को काशी में किसी विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। ऐसा माना जाता है कि इनका जो जन्म हुआ था किसी विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। तब आगे देखिए, जिसने लोक लज्जा के भय से इनको लहरतारा नामक स्थान पर किसी तालाब के समीप छोड़ दिया था। तो स्टूडेंट्स, उस विधवा ब्राह्मणी ने लोक लज्जा के भय से इनको लहरतारा नामक स्थान पर किसी तालाब के समीप छोड़ दिया था, यानी इन्हें लहरतारा नामक स्थान पर एक तालाब के पास छोड़ दिया था। तो स्टूडेंट्स, अब आगे लिखा है, यहीं से नीरू नाम का जुलाहा और उनकी पत्नी नीमा इनको उठा लाए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए, नीरू नाम का जुलाहा यानी जुलाहे वे होते हैं जो कपड़ा बनाने का कार्य करते हैं। तो इन्हें तालाब के पास से नीरू नाम का जुलाहा और उनकी पत्नी नीमा इनको उठा लाए और इनका पालन पोषण किया, यानी स्टूडेंट्स, इन्हें नीरू नाम का जुलाहा और उनकी पत्नी इनको उठा लाए और इनका पालन पोषण किया। ये बड़े होकर अपने माता पिता के कार्यों में हाथ बटाने लगे, यानी वो कपड़ा बनाने का जो कार्य करते थे, ये बड़े होकर उनके कार्य में हाथ बटाने लगे। इनका विवाह लोई नामक स्त्री से हुआ, यानी इनका विवाह लोई नामक स्त्री से हुआ। इनकी दो संतानें हुई, पुत्र का नाम कमाल तथा पुत्री का नाम कमाली था। यानी इनका विवाह लोई नामक स्त्री से हुआ और इनकी दो संतानें हुई, पुत्र का नाम कमाल तथा पुत्री का नाम कमाली था। कबीर रामानंद के शिष्य थे, यानी कबीर रामानंद को अपना गुरु मानते थे, इसलिए कबीर रामानंद के शिष्य थे। तो अब आगे देखिए, अधिकांश विद्वानों के अनुसार कबीर दास की मृत्यु सन 1519 ईस्वी में मगहर में हुई। तो स्टूडेंट्स, अधिकतर विद्वानों के अनुसार कबीर दास की मृत्यु सन 1519 ईस्वी में मगहर में हुई। अब पढ़ेंगे इनका साहित्यिक परिचय। तो स्टूडेंट्स, हाई स्कूल में केवल जीवन परिचय पूछा जाता था, लेकिन 11th और 12th क्लास में जीवन परिचय के साथ साथ साहित्यिक परिचय भी पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स, ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय। अब आगे पढ़ेंगे, कबीर पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, यानी कबीर पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, यह बात उन्होंने स्वयं कही है, यानी उन्होंने खुद इस बात को कहा है कि मैं पढ़ना लिखना नहीं जानता। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, यानी मसी स्याही कागज, यानी कागज और स्याही को कभी छुआ भी नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, यानी कलम कभी हाथ में भी नहीं गई। इसके पश्चात भी उनकी वाणियों के संग्रह के रूप में रचित कई ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। तो स्टूडेंट्स, कबीर पढ़ना लिखना भी नहीं जानते थे और इन्होंने कागज और कलम को कभी हाथ भी नहीं लगाया, और इसके पश्चात भी उनकी वाणियों के संग्रह के रूप में रचित कई ग्रंथों का उल्लेख मिलता है, यानी इसके बाद भी इनकी वाणियों यानी इनके शब्दों के द्वारा कई ग्रंथों का उल्लेख यहाँ पर मिलता है। जैसे कि इनके ग्रंथ हैं अगाध मंगल, अनुराग सागर, बीजक आदि, ये सब इनके ग्रंथ हैं। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से इनका साहित्यिक परिचय भी कंप्लीट हो गया है। अब पढ़ेंगे इनकी कीर्तियों के बारे में। कीर्तियां लिख दो या फिर रचनाएं। इनकी कीर्तियां हैं साखी, सवद, रेमनी आदि, ये इनकी कीर्तियां हैं। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से कबीर दास का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय पे कीर्तियां कंप्लीट हो गई हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।